हैं, थोड़ा सा गायों का निरीक्षण करा दीजिए 2 मिनट और फिर हम नेपियर के पास चलते हैं। तो थोड़ा सा गायों को फेस के ऊपर वो करिएगा, इस साइड भी करिए। ये देखिए, ये जर्सी ब्रीड का बाछी है, तीनों प्रेग्नेंट है जी, है ना। ये 2 को 13-13 महीने का हुआ है, दोनों 5-7 दिन के अंतर पर बच्चा दी है जी, है ना। तो वो हो गया 1.5 महीने का गाभिन जी जी। इसको तो हाल फिलहाल में सिविल करा, तो ये सब बड़ा ही कंफर्म हो गया कि मान गई। अच्छा, चेक कर लिए सर? हाँ, चेक क्या, ये तो कंफर्म है, ये चेक नहीं मेरा। इतना क्वालिटी का जर्सी लग रहा है। हाँ। मस्त लग रहा है, टाइसन का बच्चा है। देखिए आगे काला होने लगा, बड़ा ही मस्त दिख रहा है। ये ना होना चाहिए, कितना बोल्ड है, निकला है 5 स्टार का मेरा जी। कौन सा तन दिखाइए। तो हम गायों का निरीक्षण कर रहे हैं और ये हैं अरुण सर, ये बड़े हमारे एरिए के ट्राइसन का बच्चा है, पालक और हेल्पर। ट्राइसन जर्सी, ट्राइसन का बच्चा है, ट्राइसन का। देखिए 32 लीटर मिल्क कैपेसिटी। हाँ, ये 5 स्टार है जी, ये 5 स्टार का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है। देखिए कितना मस्त है, एकदम क्वालिटी तैयार कर रहे हैं सर। मैनेजमेंट देखिए, 4 महीना 5 महीना सब गाय, कोई 6 महीना 8 महीना के बियाल है, सब 5 महीना 6 महीना के सब बच्चा है, सब गाय के सीमेंट पड़ा हुआ है और बिना थन में लगाए हुए ये सब बच्चा तैयार है। बिना एक दिन भी थन में नहीं लगा है। तो दूध कैसे पीता है? दूध तो सब बोतल से पीता है, नेपुल से, बोतल से पीता है। सब के वजन के अनुसार। अभी लोगों को तो छोड़ भाई, भाई ये दिखाइए, ये है इनका 9 गो बाछी है, नेक्स्ट जनरेशन गाय है। अब तो हमारे यहाँ बच्चा देगा नहीं, अब देगा ही नहीं, नहीं सबसे सब बच्ची उत्पन्न होता है, तो बच्ची उत्पन्न होगा, तो हमारा भी सहयोग करिएगा। तो ये देख सकते हैं, एक एक बाछी जो इनका लमसम लमसम हाई क्वालिटी है। कुछ तो देखिए जर्सी ब्रीड में तैयार किए हैं, और कुछ जर्सी में है, एक ही है जर्सी, 3 गो जी, ये क्रॉस ब्रीड में 5 स्टार जी, और ये फ्रीजियन को तैयार किए हैं जी, और फिर उधर जर्सी का है, और भी कुछ है प्योर फ्रीजियन ट्राइसन डलाया है जी, सेक्स सीमेन में जी, और कुछ HF डलाया है। अच्छा, कुछ HF और कुछ ओला है। हाँ, तो सर हाँ, जो सहीवाल से कुछ क्रॉस है उसका सहीवाल HF क्रॉस। अच्छा, एक बार इधर से दिखाइए, ये इनका जो गाय है आप देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा आगे मुहे ऐसे टर्न कर जाइए, ऐसे लेकर के बढ़िए। ये सब गाय जो है हाँ, पहले है लेकिन दूध हो जाता है। तो ये जो गाय है इनका सर, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन में जो जितनी बाछी आपने तैयार किया है, इसमें क्या खास आप देख रहे हैं जो पहले की गाय थी है? आप देखिए, और तो ये उठाते हैं, फुट 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 आइए जी जी। खास यही होता है, 9 महीना 3 दिन की जब बच्चा थी जी, तो हम इसको सीमेंट दिए थे, 9 महीना 3 दिन का, ठीक है ना, मेरा रिकॉर्ड है जी। ये गाय बच्चा दे दी, बच्चा दे दी, दोबारे इसको जब FMD आया तो खुरहा हो गया इसको जी, दोबारे में इसको भरसन हो गया 7 महीना पर, 7 महीना में बच्चा गिर गया। हाँ, गिर गया। अच्छा। फिर तीसरे मेरा गाभिन है, 6 दांत गाय है, मात्र 6 दांत में तीसरे हो गए, तीसरे अब बच्चा देगी 10 दिन चाहे 15 दिन, 15 दिन मोटा मोटी समय है। देखिए थाल इसका, देखिए अडर क्वालिटी, देखिए कितना लूज है अभी, कितना अभी कितना ही चढ़ सकता है। हाँ। मिल्किंग पीरियड में तो पूरा फुल हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल आ जाएगा, अच्छा गाय निकली, देखने रहे कितना भी लूज है, कितना चमड़ छोड़ रहा है, बिल्कुल सर अच्छे न्यूनी था उनके साइड। देखिए तो जो आप ब्रीड में जो डेवलपमेंट किए हैं, जो पुराने जो ब्रीड हैं उसके थन ज़्यादा नीचे लटक जाते थे, जिससे नहीं हमारा एको गाय को देखिए तो थन है लटका हुआ, 32 लीटर 30 से 32 लीटर गाय दूध करती है, अब तो बकेन होगी, अब ही मोटा मोटी 18-19 लीटर कर रही है, तो थन देखिए ठेवना से ऊपर है, ठेवना से ऊपर होना। हाँ, ठेवना देख लीजिए ना, प्रमाण देख लीजिए कोई गाय को मेरा। और ये इसका क्या प्रमाण है सर? ये जितने चौड़ा रहे, जितना जितने चौड़ा रहे, जांग जितने मोटा रहे, जांग जितने मोटा रहे, दो चीज ये सब चीज खरीदते समय भेन जो है जितने, देखिए स्पष्ट भेन मोटा है, मिल्क भेन मतलब छेनी देखिए कितना है। अच्छा, ऐसे मतलब 4 इंची 3 इंची 4 इंची की छेनी पहनाएगा तो पूरा मुट्ठी में आएगा, ये सब खरीदते। हाँ, खरीदते समय देखिए सीमेन, जब तक कितना बताया जाए सीमेन पर न ध्यान दिया जाएगा तो कुछ नहीं संभव जी, सब चीज हरा चारा सीमने पर डिपेंड, सब चीज सब चीज, तब पशुपालन को सस्ता पड़ेगा फीडिंग, और अगर ब्रीडिंग पर ध्यान दिया जाएगा, सीमेंट पर ध्यान दिया जाएगा तो दूध उत्पादन बढ़ेगा जी, और गुणवत्ता भी दूध का रहेगा, तो बैक सब पोर्शन भी काफी मायने एकदम बहुत मायने रखता है, मायने नहीं अपवाद, जानवर चौड़ा पुट्ठा का दूध 100 गो में 5 गो कहीं कम कर सकती है, मतलब चौड़ा पुट्ठा है तो अच्छा करेगा। हाँ, अच्छा करेगी, और 100 गो में से
पांचे जानवर ऐसा है कि जो पीछे से पतला है और दूध ज्यादा करेगा। अच्छा ये भी है। हाँ ये भी है सर। ये रीढ़ का हड्डी का क्या मायने, देख लीजिए मतलब ना घसा हुआ या क्या होना चाहिए? देख लीजिए एकदम प्लेन है इसका, ये तो अभी अथी वाला है थोड़ा, मतलब ये जो है बिल्कुल। यहाँ कोई कोई गाय के उठा रहता है वो भी अच्छा है। अच्छा उठा हुआ नस्ल भी आता है इसका, तो एकदम प्लेन है। ये गाय जर्सी है जी, ये जर्सी गाय है। जर्सी गाय है तो ये जर्सी ब्रीड में है सर का, देखिए जर्सी है इसका, माय भी जर्सी थी। भाई साहब थोड़ा आइए एक सेकंड, और इस तरफ थोड़ा सा मुआयना एक मिनट कराइए सर। ये ब्रीड भी काफी पसंद आ रहा है मुझे। 13 महीना का ही बच्चा है, एक तो प्योर जर्सी 13 महीना का बच्चा है, ठीक है ना जी। उस गाय का बच्चा है सिंह वाली जो जर्सी गाय है जी जी, उस गाय का बच्चा है जी। 13 महीना का बच्चा है, 1.5 से 2 महीना का गाभिन है, गारंटी है मेरा। 2 महीने गाभिन है और 13 महीना के लगभग है उसका बच्चा है, जर्सी का बच्चा है जी। ये भी सीमेंट पड़ गया है जी, और ये भी जर्सी है लग रहा है। ये क्रॉस ब्रीड में है, क्रॉस ब्रीड में ये गांव पर से आया था हमारा बच्चा, बड़ा ही मस्त है। हाँ मस्त है बच्चा। तो प्रोटीन कितना मात्रा में देते हैं सबको कि प्रोटीन? देखिए अभी तो हरा चारा दे रहे हैं तो मान के चलिए कि 15 से 18% तो प्रोटीन नेपियर से आ रहा है। नेपियर से? हाँ कुछ बरसीम है जी, तो आ ही जा रहा है जी जी। फिर खली में कुछ प्रोटीन मिल जा रहा है जी जी। इसके बाद में राहड़ चुनी है, राहड़ चुनी भी चना चुनी है, तो इस सब से तो आ ही जा रहा है ना, तभी बिल्कुल जो है सेहतमंद है। मान के चलिए कि प्रोटीन मिल ही जा रहा है जी। कुछ ये गाय हैं दो चार उनके पास इस साइड में, तो आप देख सकते हैं जर्सी गाय है। टोटल मिल्किंग पीरियड में कितनी गाय रहती है सर आपके पास, एवरेज जो औसत होना? देखिए औसत क्या, हम गाय तो बिसुख भी न करती है, बिसखाने पड़ता है जी जी। 10-20 दिन बिसखाइए चाहे 2 महीना पे उसके, लेकिन 2 महीना बेटर है। 2 महीना अगर बिसखा दिए तो गाय अच्छा तैयार होगा। 2 महीना ड्राई करना है? हाँ ड्राई करना है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर 15 गाय है तो 15 गाय में 2 गाय बिसखे जी, 13 गाय कम से कम लगित रहे, 11 लगित रहे। ज़्यादा अगर भी गाय भी सूख जाएगा तो फिर दूध अगर रहेगा तो पैसा घर से लगाने पड़ेगा ना जी जी, तो दूध का मेंटेनेंस भी रहे। अब देखिए हमारा एक गाय अभी ओबीसी है जी जी, तो सारा गाय अभी लग रही है जी, वो बच्चा दे देगी जी, है ना जी जी। तो अभी सब कोनो 5 महीना कोनो 4 महीना के गाभिन है जी, तो फिर कुछ अभी सीमेंट पड़ा है जी, तो 1.5 से 2 बिसखेगा फिर ब्याज रहेगा। तो मतलब जो संतुलन है बिजनेस का हाँ वो बरकरार रहेगा। इसके बाद फिर ये सब बाछी तैयार हो जाएगा। अगर मान लीजिए अभी जो 3 महीना पहले सीमेंट पड़ा है तो 2 महीना भी खाएंगे तो 1.5 महीना उधर गाभिनों को है जी। तो ये देखते हैं कि हर महीना में कौन महीना में हमारा बच्चा तैयार है, कौन महीना में खाना है। एवरेज मिल्किंग क्या है आपका फार्म का? सालाना मान के चलिए कि 120 पर डे 120 अभी तो ज़्यादा पशु, मतलब टोटल एवरेज अभी तो मान के चलिए कि 13-14 को लग रही है ना सब। तो ये सर का नया फार्म बन रहा है, थोड़ा सा आप इस तरफ घुमा दीजिए। अभी तो 160 कितना फीट लंबा चौड़ा बना? 70x16 है। 70x16 में हाँ, फार्म अंदर है जो नया फार्म, यहाँ से वहाँ तक गाय रहेगी। थोड़ा एडवांस मॉड्यूल से फार्म बना रहे हैं, क्या क्या चेंजमेंट करना चाहते हैं सर इसमें? देखिए इसमें तो खुला सेट रहेगा मेरा, खुला जो बन गया से बन गया, ऊपर सेट लगाएगा, नीचे खुली रहेगा, नाद नहीं रहेगा, इसी घेड़ा रहेगा डायरेक्ट। हाँ अब तो हरा चारा प्योर न खाएगा जानवर, हरा चारा डालिए आना, फीड जो डालना है सूखले डाल दीजिए, ठेला से लाइए गिराते चल जाइए बस डायरेक्ट ठेला खा लिया, इसके बाद खुल जाएगा जी, जानवर उधर घूमेगा जी। इधर नली बना है उसमें पानी रहेगा, इच्छा अनुसार पानी पिएगा, नल खुल जाएगा, पानी एकदम ठंडा एनी टाइम तनी तनी गिरित रहेगा उसमें। ऑटोमेटिक सिस्टम सब कर? हाँ टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम, मतलब वर्कलोड को कम करना है, एकदम कम कर देना है। गाय को थोड़ा फ्री देखिए, जब तक गाय अपने स्वतंत्र न रहेगा तब तक लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना है। हमको तो असर नहीं पड़ता है लेबर है कि नहीं है, हमको तो भारी नहीं बुझाता है। सही बात है, 1 घंटा सुबह शाम काम कर दिए हो गया, अभी तो है बंदा, मान लीजिए बाई देवे न रहेगा बंदा तो क्या टेंशन है, अपना काम है जी। कोई कंपनी में जाइएगा अगर 15,000 देता है महीना तो 8 घंटा तो काम करवाता है बिल्कुल, मोटा मोटी मान लीजिए तो 15,000 में 15,000 बचेगा नहीं जी। तो एक परिवार अपना बाल बच्चा के छोड़ के जा रहा है जी, है ना। तो हमको अगर मान लीजिए कि कोई कारण से हम 10,000 कमाए जी जी, लेकिन हम 2 घंटा में 10,000 कमाए, 2 घंटा में कमा लिए, 3 घंटा में कमा, शेष में हम कॉलो कर रहे हैं, फार्मिंग भी कर रहे हैं जी। तो परिवार के साथ है, बालो बच्चा से एनी टाइम बात कर रहे हैं जी जी, ये तो टेंशन से दूर है ना जी, लग रहा है कि सब परिवार एक साथ है, एक साथ तो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा एक दूसरी है कि नेचुरल चीज हमारा घर पर सब चीज है, मान लीजिए केला है, आम है, अमरूद है, नींबू है, अनाज सब है, दाल दलहन साग सब्जी, ये तो हम टाउन का लेके ना खा रहे हैं जी, बात समझिए। सही बात। आज बेटा पोती के जन्मदिन था,
तो यहाँ 20 किलो दूध के खोआ घटवा के और जामुन बनवा के भेज दिए, टाउन में हो जाता ज़रा नहीं होता। ये जो हम प्राइवेट में काम करते 10,000 महीना 15,000 नहीं करे जा, नहीं टिक पाते बिल्कुल, आधा तो खर्चे हो जाता। फिर यहाँ आते तो बाल बच्चा ये करता वो करता कि हाँ बचाते नहीं, ये ना करते हैं, आप उड़ा देते, बड़ी टेंशन है ना। यहाँ तो आके सामने ना कितना बचा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना फ्री रख रहे हैं सब परिवार को, सब सामने है, तो ये सब अंतर है। ये था इनका अनुभव और इनसे जो कुछ खास बातचीत दोनों भाइयों से जो हुआ और काफ़ी चीज़ें आज क्रिएट हुई है इनके बीच और हमारे बीच में। तो हम ये चाहते हैं कि अब भविष्य में जो है जो भी चेंजमेंट आप करना चाहते हैं, एक युवाओं के लिए प्रेरणादायक बने और यहाँ से जो भी आए कुछ सीख कर जाए और आप ऐसे ही सहयोग देते रहें। देखिए अगर मेरा वीडियो जो जो आदमी देख रहा होगा चाहे देखेगा जी, चलिए आगे और दिखाएंगे जी, तो अगर कोई भी बंदा जी हमसे संपर्क में रहेगा, फोन से चाहे आके यहाँ संपर्क करेगा जी जी, तो निगेटिव हम कभी उसका दिमाग में ना आने देंगे। निगेटिव मेरा चैलेंज है, निगेटिव दिमाग नहीं होने देंगे हम उस बंदा पर, ध्यान कम देंगे जी, उसका घर का परिवार पर मेरा ध्यान तुरंत चल जाता है कि ये बंदा पर इतना परिवार जीवित है जी जी, तो हमको दिमाग में सीधे आ जाता है उसका बाल बच्चा जी बीवी जी, कि अगर ये बंदा के पास पैसा आएगा संस्कार आएगा तो बीबी या बाल बच्चा कम से कम अच्छा से रहेगा। बिल्कुल, तो एक बंदा अगर गड़बड़ाता है जी, हम अपने ऊपर ये लागू किए हैं कि अगर हम गड़बड़ाते हैं जी जी, भाई को छोड़ दीजिए, भौजाई को छोड़ दीजिए, भतीजा को छोड़ दीजिए जी, हमारा दो लड़का एक पत्नी जी, तीन को तो बर्बाद हो जाएगा ना। बिल्कुल सर है, और हमारा तो नेचर है कि हम तो गाँव में भी बहुत लोग को बहुत कुछ माने बताते हैं, जो हमको लाइक करते हैं, जो समझते हैं कि ना ये सही आदमी, उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये हैं एक्टिव फार्मर बिहार के अरवल के हैं दिलीप जी, आज चंदा हो रहा था नाम है, चंदा हो रहा था आज जी स्वामी जी परसोत्तम जी जी, चंदा कट गया, सुभाष भाई कटवा दिया 500 अपने पास से दे दिया जी, वो जान रहा है ना कि हम अपने पास से 500 दे दिए हैं और उन्हें भी दे देंगे। हाँ सही बात है, तो आप समझिए जी, समाज को समझिए, व्यक्तिगत किसी को खास अगर कुछ काम कर रहा है कुछ चीज पर उसको समझिए, तब आप आगे बढ़िएगा। तो ये था एक्टिव बातचीत, अब नेपियर पे नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट बनेगा, तो धन्यवाद।